ये कुछ कपड़े धुल के आए थे, ये मैंने अभी तक तय नहीं किया, मैंने कल थोड़ा सा सुखाने के लिए रखा। वो सारी बॉटल्स मैंने जो है बॉटल वाले बैंडिए वाले चीजों को सारी चीजों को समेट, और थोड़ा सा यू नो डार्क बैकग्राउंड के पास लाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड ब्लॉग का स्टार्ट जो है मैंने सुबह सुबह ही कर दिया था आज, मैं क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी। मेरा इरादा था कि मैंने पूरे घर की सफाई करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था घर। जब बाहर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑफकोर्स घर के काम थोड़े से नेगलेक्ट होते ही हैं, ये तो वैसे बहुत नॉर्मल एक बात है। कपड़े बहुत ज़्यादा धुल के आए हुए थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ गंदे कपड़े थे जिसको मैंने डालना था वॉशिंग मशीन में और उसको धोना था, और कुछ जो है वो साफ़ कपड़े थे। टेबल में सारे साफ कपड़े पड़े थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से तय करना था और इसको कबर्ड में सेट करना था। पूरे वीक में एक दिन तो ऐसा आता है जिसमें आप लोग डीप क्लीनिंग अच्छे तरीके से करते हैं, मैंने सोचा आज मैं कर ही लेती हूँ। ये रूम काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट हो रहा था और आप देख सकते हैं कैसी इसकी वर्स्ट इस टाइम हालत हुई हुई है। और ये जो है किचन है, सुबह नाश्ता किया था उसके बर्तन पड़े हुए थे। ये सारी बॉटल्स जो हैं हम लोग ब्लू बैग में डालते हैं, लाइक जो प्लास्टिक की सारी बॉटल्स होती हैं या फिर जार्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये कि इस टाइम ब्लू बैग्स भी हमारे पास ख़त्म हो गए थे, वो भी हम लोग को QR कोड दिखा के शॉपकीपर को और फिर लेना था। एनीवेज उस सिलसिले में जाना था, वो भी लेना था शॉप पर। इन द मीन टाइम मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसको साइड पे रखती हूँ और जो बिन बैग्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, उसके अंदर ही जो है ना इसको सारा अभी फिलहाल स्टोर कर लेती हूँ, और जब जाना हुआ हम लोगों का ब्लू जो बैग होता है जिसमें सारी बॉटल्स हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसको जब लेके आऊँगी तो वो सारी डाल दूंगी। एनीवेज जी, ये मैंने सोचा आपको लाउंज का हाल भी दिखा दूँ, बिफोर एंड आफ्टर वाला सारा सीन जो होता है। यहाँ पर चादरें मेरी हर टाइम जो है सोफे पर बिछी होती हैं, और ये बच्चों की टेबल, बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम लोगों ने ऑर्डर किया था स्टीम क्लीनर, ये उसके डब्बे पड़े हुए हैं, अमेज़ॉन से मंगवाया था, और आज हम लोगों ने सोचा था कि उसी से ही हम लोग डीप क्लीन करते हैं, देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा है। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, मैंने थोड़ा थोड़ा काम जो स्टार्ट कर लिया था। मौसम बहुत अच्छा था इस टाइम, बारिश हो रही थी, और बड़े मज़े की बात है कि यहाँ पे अब ठंड भी स्टार्ट हो गई है, जो कि अब रहेगी अप्रैल मई तक, अच्छी खासी ठंड रहेगी। तो खैर, ये मैं एक नया प्लांट लेके आई थी, मैंने सोचा मैं ये भी आपको दिखाऊं, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि दो डार्क ग्रीन कलर के प्लांट्स थे और एक लाइट ग्रीन कलर का था, तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो है ना कर रहा था। इस टाइम मैं लिटरली कंफ्यूज हो रही थी कि पहले रूम से करूं सफाई, किचन की करूं, या सबसे पहले लाउंज की करूं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर, मैंने सबसे पहले तो बस सोचा कि लाउंज की ही की जानी चाहिए। अच्छा, ये रिसेंटली मैंने ये चप्पल ली है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्राइमार्क से ली थी मैंने, और इसका सोल बहुत मोटा और बहुत लाइक सॉफ्ट सा है, ज़्यादा मेरा काम खड़े होने का है तो मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगा था। सुबह उठते साथ ही मैं कुरान की तलावत भी लगा लेती हूँ, आधा पौना घंटा कुरान जो है वो ज़रूर लगता है हम लोग के घर, चाहे हम सूरह रहमान उसमें सुन लें या रुकैया सुन लें, कुछ भी। तो खैर, वो भी बैकग्राउंड के ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो वो मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे, क्योंकि मुझे जो है ना इस तरह के टूल्स वगैरह पकड़ते हुए थोड़ा सा ज़रा मुझे होता है कि मेरा हाथ ना दर्द करने लग जाए कहीं, बट ये कि थोड़ा हैंडी था, अच्छा था, और इससे ये विंडोज़ बहुत अच्छी क्लीन हो रही थी। और हम लोग यही हिसाब लगा रहे थे कि विंडोज़ का फ्रंट साइज़ तो बहुत मतलब अच्छे से क्लीन अप हो गया, बट बैक बाहर जाके करना है अब, और वो फिर अब हम पेंडिंग पे चला गया काम, क्योंकि और भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना स्टार्ट कर दिए थे। आप सब लोगों को पता, जब जोश आता है ना सफाई करने का, तो ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से आपको लगता है कि आपको सफाई करने की ज़रूरत है, और एवरी नुक एंड कॉर्नर को। तो सोफ़ा भी आगे हमने कर लिया था, और बस अच्छे तरीके से हम लोगों ने पीछे से डीप क्लीन की है, और इसके बाद जो है सारी सफाई हो गई थी, और मैं बस अब जो छोटे छोटे ऊपर वाले जो होते हैं ना चीज़ें, ऊपर के जो काम होते हैं जिसे आप कहते हैं, वो अब साफ़ करने लगी थी।
आज के दिन मैंने सोचा हुआ था कि मुझे सिर्फ डीप क्लीनिंग ही करनी है और ये कि डस्टिंग वगैरह सारा वो सब कुछ करना था। किचन के भी बहुत ज़्यादा काम थे और वो जो मैंने आपको रूम दिखाया था उसके भी बहुत ज़्यादा काम थे जो मुझे करने थे। काफ़ी अरसे से ही वो रूम नेगलेक्ट हो रहा था, बट आज मैंने सोचा था कि हिम्मत करो और सारे काम स्टार्ट कर दो। खैर यहाँ पर मैं ऊपर के छोटे छोटे सारे काम कर रही हूँ और बस मैं किचन में आई हूँ। आज मैंने कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, कोई ऑर्डर भी नहीं था मेरे पास। मैंने बनाने थे जो चपली कबाब होते हैं बीफ के, वेल के सॉरी, तो बस वही मैं बनाने के लिए जो है ना किचन में आई थी। बट फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना किचन की सफाई कर ली जाए। अब इस बैग में जो है ना ये जो बिन बैग होता है बेसिकली ये सारा हम लोग यहाँ पे इसमें सारा गार्बेज है वो डिस्कार्ड करते हैं। पता नहीं क्या दिमाग में मेरी आई कि मैं एक दफ़ा फ्रिज खोलूं और उसको भी देखूं कि अच्छे से साफ़ मैं कर सकती हूं कि नहीं, बट ये कि लास्ट वीक मैंने किया था तो फ्रिज जो है माशाल्लाह से क्लीन अप ही था। एनीवेज यहां पे सुबह के जो बर्तन थे सबसे पहले तो मैंने वो धोए और साथ ही साथ मैं कुछ च्युइंगम या नट्स वगैरह ज़रूर खा लेती हूँ ताकि मेरा जो है ना दिमाग और मुँह चलता रहे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम। खैर यहाँ पर मेरे फटाफट जो है बर्तन धुल रहे हैं और रात के बर्तन जो है मैं वो रात में ही धो लेती हूँ क्योंकि सुबह उठ के मेरा सख्त मूड ख़राब हो जाता है अगर बर्तन ना धुले हुए हों और मोटिवेशन नहीं मिलती ना, कुछ ऐसे लगता है बहुत मिसिंग और थोड़ा ज़रा एंग्जाइटी सी फील होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर किचन जो आपको क्लीन अप मिले। अच्छा सुबह क्लीन अप ही था, बट ये कि सुबह के जब हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया तो वो सारे बर्तन पड़े हुए थे। इस टाइम जो है मैंने काउंटर टॉप्स को, शेल्फ्स को, कैबिनेट्स के डोर्स को, ऊपर नीचे स्टोव को और हर चीज़ को अच्छे तरीके से क्लीन अप किया था। अच्छा ये जो स्टोव का मेरा नीचे वाला पार्ट है ना, ग्लास वाला पार्ट, वो रह गया था। वो मैंने सोचा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा इसको नेक्स्ट अटैम्प्ट पे जो है ना साफ़ करूँगी। स्टोव को मैं सिर्फ से साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन अप हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो है वो जो बैक्टीरियल वाइप्स होते हैं ना वो लिए थे और बड़ा अच्छा ये भी रहता है, इसे अच्छे तरीके से जो है ना स्टेन्स वगैरह सारे रिमूव हो जाते हैं। साथ के साथ मैंने सफाई तो मैं रोज़ करती रहती हूँ हल्के हल्के हाथों से मतलब, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि 4-5 दिन गुजर ही जाते हैं और सफाई नहीं प्रॉपर हो रही होती। स्पेशली ये जो कैबिन्स के डोर होते हैं और कबर्ड के डोर होते हैं और इसी तरह काउंटर टॉप्स वगैरह, बट ये कि आज मैंने सोचा चलो ये लगे हाथों ये भी सारा काम कर लिया जाए। एनीवेज किचन के काम करने के बाद मैं आ गई थी अब अपने ये रूम में। ये है बेसिकली बच्चों का रूम, लेकिन ये कि ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते, ज़्यादातर टाइम वो लाउंज में ही होते हैं। अब ये जो वैक्यूम और स्टीम क्लीनर आया था इसके जो ये बॉक्सेस थे ये मैंने सोचा यहाँ तो मैं लाइक स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि स्टोर रूम नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ना था और मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखें जी ये लाउंज का इस टाइम सीन है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम क्लीनर से बहुत अच्छा हो गया। वैक्यूम भी फर्स्ट टाइम इस घर में यूज़ हुआ है माशाल्लाह से, वो भी बहुत अच्छा हो गया। और इस टाइम जो है थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट ये कि खैर इस बात की खुशी थी कि घर जो है वो एटलीस्ट क्लीन अप हो गया। विंडोज़ जो थी वो मैंने ओपन कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये किस तरह से फ्रेश एयर आती है और अच्छा एक फ्रेशनेस का आपको जो है ना एहसास होता है। खैर आपको मैं सोफ़ा दिखा रही थी कि ये बहुत अच्छे से क्लीन अप हो गया था। अच्छा इस टाइम जो है मैं किचन में आ गई थी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था और खाना बनाने था, सुबह से ही मैं कामों में बिजी थी। मैंने जो है चपली कबाब बनाने थे, ये बीफ का कीमा जो मैंने लिया था इसमें मैं सारे बेसिक होममेड जो स्पाइसेस होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले नमक है, काली मिर्च है, टर्मेरिक पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, लाल मिर्च है, यहाँ पे मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। उसके बाद मैंने रोस्टेड कुछ मसाले इसके अंदर ऐड किए थे, धनिया थोड़ा सा चॉप करके डाला था, अनियन चॉप करके डाला था और एंड पे जो है थोड़ा सा अनारदाना भी मैंने इसके अंदर डाला था। मतलब सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं जो कि सबको आपको पता, रेसिपी तो पता होगी। फिर मैंने लहसुन अदरक का जो है पेस्ट वो भी इसके अंदर ऐड किया था और कॉर्न जो होता है ना कॉर्न पाउडर वो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड किया था। आप चाहे तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे हाथों से ना आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है इतना कि जो सारे मसाले हैं ना वो रच बस जाएं बीफ के अंदर और बड़े मज़े के कबाब रेडी होते हैं। चपली
कबाब जो थे वो बहुत अच्छे रेडी हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला इसके अंदर, इसको लाइक काइंड ऑफ शैलो फ्राई ही किया है, बहुत कम भी नहीं डाला ऑयल और बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला। एनीवेज बस ये काम करके मुझे आज जो है ना एक इंडक्शन स्टोव वाला जो चूल्हा होता है वो देखना था, क्योंकि मेरे चूल्हे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। आप सब लोगों को पता मैं हर एक व्लॉग में ऑलमोस्ट ही अपना रोना रो रही होती हूँ। ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, टॉर्चर वाली चीज़ है मेरे लिए कि चूल्हे ही नहीं चल रहे, प्रॉपर चलते ही नहीं है, आई डोंट नो। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप जो है अपने ऑनर से बात करें, लेकिन लाइक कुछ हो नहीं रहा। मतलब हम लोगों ने 2-3 दफ़ा बात भी की है, बट स्टिल खैर यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस टाइम जो है मैंने सोचा हम लोग खुद ही जो है ना अपने ही लाइक पैसों से ले लेते हैं स्टोव, कोई छोटा सा ही। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो इसमें तो प्रॉपर स्टोव अलग सा था, इसका ओवन वाला जो सेक्शन होता वो अलग से था, तो वो तो ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए था। प्लस ये कि जब मैंने एक्सप्रेस की प्राइसेस देखी तो मेरा तो लाइक मुझे था कि इतना ज़्यादा महंगा, मतलब मैंने इतना महंगा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था, बट ये कि क्या ही किया जा सकता है। लेटर ऑन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आइकिया भी देख सकते हैं एक दफ़ा, और अमेजोन से भी यू नो प्राइसेस को देख के फिर जो है ना हम देखेंगे कि कहाँ से लिया जाए, बेस्ट ऑप्शन कौन से मिलती है। ऑब्वियसली आपने फिर वो सारा इंस्टॉलेशन वाली चीज़ भी देखनी होती है। मैं तो चाह रही थी मुझे इलेक्ट्रिक मिल जाए और उसके वॉट्स भी ज़रा हाई हों, मतलब प्रॉपर हमारी देसी कुकिंग तो हो जाए ना एटलीस्ट। खैर यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं आपको साथ साथ जो है ना सारे सोफ़े भी दिखा दूँ, बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो हमारे घर का सोफ़ा है हम लोगों ने जो लिया हुआ है वो भी हमने यहाँ से ही लिया है, कॉन्फोरामा, यही है बेसिकली। ये जो ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा है ये थोड़ा लाइट ग्रे है, हम लोगों का जो है वो थोड़ा डार्क ग्रे में है। तो खैर प्राइसेस सेम ही थी, मैं वही देख रही थी कि प्राइसेस लाइक मोर और लेस सेम ही है वैसे की वैसी। और ये सारा जो है फर्नीचर का आउटलुक, इंटीरियर्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है देखना चीज़ों को। आई होप आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। घर की जितनी भी डेकोरेशन होती है, एक्सेसरीज, जो भी छोटी छोटी जो है डेकोरेटिव आइटम्स या वॉल पैनल्स होते हैं उसको देखना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर औरत को जो है ना बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे मैं सोफे पे बैठी हुई थी और देख रही थी कि कैसा फील हो रहा है यहाँ पे इस तरह का व्यू देखना, और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बच्चों को भी हम लोग संभाल रहे थे क्योंकि ग्लास की भी कुछ चीज़ें थी, मुझे ये डर था कि बच्चे जो है ख़राब ना कर दें और मेरी वीडियो बनाने के चक्कर में। खैर इस सेक्शन में आ गई थी मैं, इधर जो है प्राइसेस काफ़ी हाई लगी मुझे। इसमें वाजेस भी थे, डेकोरेटिव आइटम्स भी थी या आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पे दिल आ रहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे भी जो है ना क्लिप्स लूँ, और यहाँ वाली जो साइड थी यहाँ पे सारे लैम्प्स थे और वॉल पैनल्स थे और लाइक ग्लास मिरर थे, ये भी बहुत प्यारी लग रहे थे। मतलब लाइक यहाँ पे हर कैटेगरी की जो है ना चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लक्ज़मबर्ग में रहते हैं। सो दिस वॉज इट, आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ काइंडली एक लाइक ज़रूर आप लोगों ने कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और आई होप आप लोगों को मेरी ये जो क्लीनिंग ब्लॉग है, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी थोड़ी सी प्रॉपर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी थेरापेटिक लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ऐसे ब्लॉग्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और लिटरली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है इस तरह के ब्लॉग्स देखने से। आपने अगर किसी का रात में ब्लॉग देख लिया ना क्लीनिंग का, तो सुबह आपका फटाफट दिल चाहता है कि आप अपने घर को भी क्लीन अप करो, टाइडी करो। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू इंशाल्लाह ताला। और बस ये कि यही था मेरा व्लॉग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में हमेशा याद रखिएगा, चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।